हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ अंडा करी कुछ अलग अंदाज में। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति, स्वागत है आपका स्वाति's राज रसोई में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अंडा करी। तो आपने बहुत बार पहले भी बनाया होगा अंडा करी, लेकिन आज मैं आपको कुछ बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बता रही हूँ। तो देखते हैं ये कैसे बनता है और हम शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 6 उबले अंडे, 3 बड़े साइज का उबला आलू, 1 बड़े साइज के शिमला मिर्च की प्यूरी, 2 मीडियम साइज प्याज का पेस्ट बनाया है, 2 बड़े साइज के टमाटर की प्यूरी बनाई है, कलौंजी और हरे मिर्च का पेस्ट बनाया है, 1 टीस्पून कलौंजी लिया है और 2 हरी मिर्चें ली हैं। इसके अलावा 1/4 टीस्पून कलौंजी अलग से लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी लिया है, काजू और खरबूजे के बीज का पेस्ट बनाया है, इसके लिए 7-8 काजू लिया है, 1 टेबलस्पून उसके बीज लिए हैं। 15-20 मिनट गर्म पानी में भिगोने के बाद इसका बारीक पेस्ट बनाया है। सारे इंग्रेडिएंट्स के अलावा 2 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, ये भुना सौंफ का पाउडर, ये मैंने 1.5 टीस्पून लिया है, और कश्मीरी लाल मिर्च, ये करीब 1 से 1.5 टीस्पून आपको लेना है। ये आपके सब्ज़ी को बहुत अच्छा कलर देगा। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें लगभग 2-2.5 टेबलस्पून मैंने सरसों का तेल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई और तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल गर्म हो गई है, अब हम इसमें कलौंजी डालेंगे। कलौंजी के साथ हल्दी पाउडर भी। और प्याज का जो पेस्ट हमने पीसा था ये इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन न चला जाए। जब तक हमारा प्याज भून रहा है, इस बीच में हम आलू भून लेंगे। आलू के लिए एक हम दूसरी कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें लगभग 1 टेबलस्पून के आसपास हम तेल डालेंगे। सरसों तेल ही यूज़ कर रहे हैं और आज मैं नॉनस्टिक का कोई भी बर्तन यूज़ नहीं कर रही हूँ। तेल गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गई है, अब हम इसमें सारे मैश्ड आलू को इसमें डालेंगे और इसे ब्राउन होने तक हल्के हल्के लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। बीच हम अंडों को शैलो फ्राई कर लेते हैं एक तीसरे पैन में। आप चाहें तो इसे उबले हुए ही डाल सकते हैं बिना फ्राई किए हुए। तो मैं इसे यहाँ पे शैलो फ्राई करके अंडों को डालूँगी कढ़ी में। अंडे को हमने शैलो फ्राई करके निकाल लिया है। इस बीच हम जो अंडा हमने फ्राई किया था शैलो फ्राई, उसको हम इस तरह से फोक से छेद कर लेंगे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर में नमक, मसाले, रस सब कुछ अच्छे से चला जाएगा। हमारा प्याज भून गया है, अब इसमें हम शिमला मिर्च की प्यूरी डालेंगे और 3-4 मिनट फिर इसे भी भूनेंगे। इधर देखिए, आलू भी हमारी भून के तैयार हो गई, अब इसे हम बंद कर देंगे। शिमला मिर्च की प्यूरी भून गई है, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी और इसके कच्चापन जाने तक हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। टमाटर हमारी भून गई है, अब इसमें हम काजू वाली पेस्ट डालेंगे और इसे 1-2 मिनट भूनेंगे। 1-1.5 मिनट बाद इसमें अब हम कलौंजी और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे, सौंफ का जो भुना सौंफ का पाउडर था वो डाल देंगे और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च डाल के इसे 2-3 मिनट भूनेंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं, अब इसमें हम भुना हुआ जो आलू हमने तैयार किया था उसे मिक्स करेंगे और इस सबको आपस में मिलाएंगे ताकि मसाले आलू सब मिल जाए आपस में। इससे लगभग 2-3 मिनट इसे भी लगेगा। बस 2-3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप अपनी इसकी कढ़ी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कम ज़्यादा। इसमें और पानी लगेगा,
मैं और पानी डाल रही हूँ इसमें। थोड़ा और डालूंगी मैं पानी, फिर इसमें नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और इसको फिर एक बॉयल आने देंगे। बॉयल जब आ जाएगी उसके बाद इसमें फ्राई किए हुए अंडे हम डालेंगे। सो तरी में बॉयल आने लग गई है, अब हम सारे अंडे इसमें डाल देंगे। एक अंडा बॉईल करते समय टूट गया था तो उसको भी मैं साइड में इसी में डाल दे रही हूँ। ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है ऐसे टूटे हुए अंडे का भी। और इसको ढक देंगे और 5-7 मिनट आराम से इसको पकने देंगे ताकि अंडे के अंदर सारे मसाले नमक वगैरह चला जाए। देखिए रेडी हो गया है हमारा अंडा करी, कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे, मिला के इसे फिर डिश आउट करेंगे। रेडी हो गया है अंडा करी इन ए डिफरेंट स्टाइल, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।